ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी भोगं करोति वाचालं भंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुकृपाय श्रीचैतन्यं शरणप्रमाणमालमं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तो राम कथा के दूसरे दिन हम कल चित्रकूट में कैसे भगवान राम ने अपना कुटिया बनाए उसके बारे में चर्चा किए थे, और आज जो है गोस्वामी तुलसीदास वो अयोध्या के ओर चल रहे हैं। अयोध्या में क्या चल रहा है अभी? सुमंत वापस जा रहे हैं, रथ लेकर आए थे, और भरत जी जो है अभी अपने मामा के घर है। फिर भरत जी आएंगे, क्या क्या होगा, और फिर भरत जी फिर आएंगे चित्रकूट आएंगे, और चित्रकूट से फिर भगवान जी का चरण पादुका लेकर जाएंगे। तो इसको हम अभी एक सत्र में और फिर कल सुबह एक सत्र में इसको संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। राम संग सियम रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिनु पिय विदु बदनु निहारी प्रमुदित मन चतोर कुमारी। नाहने हुनि तु बढ़त मिलोगी हर्षित रहति दिवस जीवि कोगी। ओ सिय मधुराम
चरण अनुरागा, अवन सहस श्याम बिनु प्रिय लागा। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकली। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। सुमंत्र हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। तब निषाद राज आए थे छोड़ने के लिए, और निषाद राज जो है छोड़ने के बाद वापस जाते हैं। सुमंत्र वहीं पे इंतजार करते हैं कहीं वापस आ जाएंगे तो रथ लेकर वापस, मतलब वहीं पे इंतजार करते हैं। और जब निषाद राज पहुँच जाते हैं तो सुमंत्र को ये विश्वास हो जाता है कि भगवान जो है वापस आने वाले नहीं हैं। तो सुमंत्र जो है हा राम करके बहुत दुखी हो जाते हैं, और जो रथ के जो घोड़े हैं वो घोड़े भी व्याकुल हो जाते हैं। एक और बहुत सुंदर भजन किन्होंने लिखा है उसमें कौशल्या जी कहते कि है वन को जाने वाले पथिक, जरा इन घोड़ों के बारे में जो है राम को बता देना, क्योंकि भगवान राम जो है घोड़ों को बहुत ही ख्याल रखते थे, घोड़े थे उनके बहुत ख्याल रखते थे। तो यहाँ पे कह रहे कि घोड़े भी जो है वो भी क्या है बहुत दुखी है। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। मतलब कितना प्रेम है, एक पशु का भी भगवान के प्रति कितना प्रेम है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज ने कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। ये जो सुमंत्र जी है ये बहुत पुराना मंत्री है, ये दशरथ महाराज से भी पुराने हैं, आज के भी मंत्री थे ये, है ना, बहुत पुराने हैं। मतलब दशरथ महाराज से भी जो है वो पुराने हैं, बुजुर्ग हैं। तो उनको जो है निषाद राज समझा रहे हैं, कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया। बैठ नहीं रहे थे सुमंत्र जी रथ के ऊपर, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हांक ही नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और रास्ते पर नहीं चलते हैं, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों।
वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं, वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। बोलो जय श्री राम। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश में हो गए। तब उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। जब रथ ही नहीं चल रहा था, कैसे अयोध्या पहुंचेंगे? तो फिर उसने क्या किया, सेवकों को बुलाकर जो है कर दिए कि ताकि कम से कम घोड़ा जो रथ जो है कहाँ पहुंच जाए, अयोध्या पहुंच जाए, है ना। जैसे कोई ड्राइवर आज के समय में, कोई ड्राइवर अगर बीमार पड़ जाएगा तो चला ही नहीं पाएगा, तो उसमें क्या किया जाएगा, तो उसको सहायक देना पड़ेगा। निषाद राज गुह सारथी को पहुँचा कर लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवधों को चले। वे भी क्षण 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 भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जाने को धिक्कार है, आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी की बिछुड़ते ही छुटकर इसने यश नहीं ले लिया। ये करताल देना तो भक्त जो है इसी प्रकार सोचते हैं कि अगर भगवान नहीं मिले तो शरीर क्यों रखाऊं मैं, है ना। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक जगह में गाते हैं, केनो वा छोए प्राण की सुख पाइया, नरोत्तम दास केनो नागेलो मरिया। अर्थात अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए मतलब प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो ये प्राण में क्यों रखा हूं, कौन सा सुख लेने के लिए पता नहीं ये प्राण हमारे शरीर में है, है ना। ऐसे गोपियां भी ऐसे ही सोचती थी, है ना। गोपियां भी जो है ऐसे ही सोचती थी कि क्यों जो है हम ये शरीर रखें, ये शरीर क्यों बचा हुआ है। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पे सुमंत्र जो है इसी प्रकार सोच रहे हैं, है ना। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए हैं, अब ये किस कारण कुछ नहीं करते। हाय नीच मन, मौका चुक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सोच रहे हैं कि पता नहीं कैसे ये हृदय तो अब दो टुकड़ा हो जाना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, शरीर में पाप भर गया है, है ना। शरीर में पाप भर गया है। गौरांग बोलते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयने बबे नीरा। कब वो दिन आएगा, हाँ गौरांग बोलिए, हा गौरांग, हे श्री राम, कह रहे जी कब वो दिन आएगा। इस प्रकार गौरांग बोली तो हमें पुलक का शरीर जो है पुलकित हो जाएगा। और हरी हरी बोली ते नयने बबे नीरा, हरी हरी बोलते ही आंखों से क्या होगा, आंसू आएगा, आंसू गिरेगा,
है कि नहीं। अभी तो हरी हरी बोलते ही नींद आ जाती है क्या? हरी हरी बोलते ही नींद आ जाती, मूर्छित हो जाते हैं। दोनों अवस्था है कि नहीं, है कि नहीं। जब भक्त उच्च कोटि के भक्त भक्ति करता है या शुद्ध नाम का उच्चारण करता है वो भी मूर्छित हो जाता है कि नहीं, वो भाव से मूर्छित हो जाता है। और हम लोग नींद से मूर्छित हो जाते हैं, है कि नहीं। माला खिसक जाता है हाथ से बोले जय श्री राम। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। कोई कंजूस अगर उसका अगर धन खो जाए, जिस प्रकार पश्चाताप करता है उसी प्रकार सुमंत्र जो है पश्चाताप कर रहे हैं। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध में भाग चला हो, है ना। कहता है कि मैं सूरवीर हूँ, लेकिन कहाँ से भाग रहा है? युद्ध से भाग रहा है ना। इसी प्रकार चल रहे हैं। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं। कितना सुंदर जो है ना कंपैरिजन दे रहे हैं कौन गोस्वामी तुलसीदास में, कह रहे कि कोई अगर जो है बहुत विवेकी ब्राह्मण वो धोखे से शराब पी ले उसके बाद पछताए, उसी प्रकार सुमंत्र का हालत है। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है किंतु प्राण नहीं निकल रहा है, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। सुमंत्र जी का के मुख का रंग बदल गया है जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानी छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता है रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको क्या उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा, जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। श्री राम जी के माता जब इस प्रकार दौड़ी दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने में मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चल गए हैं। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है, जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचाया।
लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। अपने आप को कोस रहे हैं, है ना। गौरा पाहू न भजिया महीनू प्रेम रतन धन हेलाए हराइनू प्रेम रतन धन गौरा पाहू ना भरिया गोरा ना भरिया गौरांग महाप्रभु के या भगवान श्री राम के चरण को मैंने भजन नहीं किया और भजन ना करके क्या किया मैंने। जो प्रेम का रतन है उस प्रेम का रतन को मैंने क्या कर दिया, खो दिया। नगर में प्रवेश करते सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री विनय करके चारों निषादों को विदा कर दिया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पढ़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गौ को मार कर आए हैं। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तो मौका मिला, क्योंकि दिन में नहीं जाऊंगा, है दिन में जाएंगे तो सब लोग देखेंगे, है ना। बहुत दुखी थे ना, मतलब अयोध्या ऐसा हो गया था कि अयोध्या में लोग खाना पीना ही भूल गए थे। गाय जो है उसके मुंह से जो है चारा गिर जाता था, हाँ, और बछड़े भी दूध पीना छोड़ दिए थे, घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा था, ऐसा दुख था, है ना। जब भरत महाराज आते हैं, भरत जी आते हैं, तो जब भरत जी कहते हैं कि चलो सब लोग चलेंगे, तब जाके थोड़ा सा वो लोग मतलब सुखी होते हैं। तो इसलिए संध्या तक जो है रुक गए, पेड़ के नीचे आराम किए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां हैं। मंत्री का आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। राजनिवास कैसे लगा, भूत महल, अयोध्या राजनिवास है कि नहीं। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती है पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में ले लिया गई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित
बिल्कुल मलिन पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम 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 कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जी कहकर दंडवत प्रणाम किया, मतलब राजा को ऐसे प्रणाम करते हैं। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह से साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही कह रघुनाथ लखनऊ बेदे आने फेरी भी बनही सीधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए राजा। सुमंत्र जी को पूछते हैं, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल तो कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भरा आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिसके मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। दशरथ महाराज भी क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, है कि नहीं। इसको कहते हैं विप्रलम्ब भाव, है कि नहीं। जब विरह में जो दुख है उसमें प्रेम जो है ज़्यादा होता है ना। जैसे अगर पति पत्नी रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो वो जो प्रेम है, और फिर जब दूर हो जाते हैं है? तो फिर क्या होता है, प्रेम बढ़ जाता है। तो अभी जो है प्रेम जो है बहुत मतलब उच्च कोटि के प्रेम है, उच्च स्तर पर है, वो क्या है, विरह। मतलब अभी तो एक क्षण भी बिना राम के रहा नहीं जाता। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, मतलब राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले अरे राम के निशानी, राम भक्त ले अरे राम के निशानी। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, देखा जाए तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, है ही नहीं। भगवान के बिना
एक घड़ी बिताना बहुत कठिन हो जाना चाहिए। यही उच्च कोटि का प्रेम है जो कि अभी सुमंत्र दशरथ महाराज है ना, उस प्रेम का रस का आस्वादन कर रहे हैं। एक्सटर्नली देखा जाए तो क्या है, बहुत दुखी है ना, बट इंटरनली है ना, राम से जो है वो अलग है नहीं, क्योंकि भगवान का स्मरण करना भी, भगवान को स्मरण करने मात्र से भी भगवान ही साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है आध्यात्मिक है, भगवान हमारे जैसे भौतिक नहीं है, है कि नहीं? अगर अभी मेरा कोई स्मरण करेगा कहीं पे भी तो वो मुझे महसूस नहीं करेगा, लेकिन भगवान जी को कोई अगर स्मरण करता है तो वो क्या करेगा, वो उसको महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, भगवान जी का नाम, उनकी लीला, उनके गुण, उनके प्रसाद, उनके धाम, ये सब अभिन्न है। बोले जय श्री राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा तो सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता को मुझे आँखों दिखा दे। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ है। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट ने बहुत सेवा की, वो रात श्रृंगवरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं का मुकुट बनाए। तो ये जो बड़ का जो दूध, मतलब बरगद का जो दूध है, जो रस है ना, उसे क्या किया जाता है, जटा बनाया जाता है ना, ताकि बार बार कंघी ना करने पड़े, कि नहीं तेल ना लगाना पड़े, वन में चले गए ना अभी। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज नाव मंगवाई, पहले प्रिया सीताजी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना, फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा, सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके, तुलसीदास कहते हैं तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। भगवान राम जो है सुमंत्र जी को समझा देते हैं कि इसी प्रकार आप भी जो है संभाल लेना, पिताजी को संभाल लेना।
बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिसे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करे। हे तात, सब गुरुवासियों और कुटुंबियों से निहोरा करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं की सम्मान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच ना करे। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे हैं, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरस कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई। हे तात, लक्ष्मण का कड़क लड़कनपन वहाँ न कहना। लक्ष्मण जी जब कुछ कह दिए है ना, तो बार बार कह ही रहते हैं। लक्ष्मण जी जब वनवास हो रहा था वो बार बार कह रहे थे कि क्या है, भगवान जी वो कह रहे थे आप बस इशारा दो, मैं जो है बंदी बना दूंगा। है कि नहीं? बोले तो ये पिताजी जो है स्त्री के प्रति अनुरक्त होकर ऐसा कर रहा है ना, मैं क्या करूँगा, इसको बंदी बना देता हूँ और आपको राजा बना देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कुछ कहे होंगे तो राम, भगवान राम ने मना किए, कहते कि नहीं, इसका बात को मत बताना, दशरथ महाराज जी को मत बताना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई, उनके वाणी रुक गई, नेत्र में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई और वे खाने की ग्लानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, मतलब पहली वर्षा का जल लग गया हो। इस प्रकार सब रानियां विलाप करके रो रही थी। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए, उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले में शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया, मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो, इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार है। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा
हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दिन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। मछली तड़प रही है तो उसके ऊपर कोई शीतल जल अगर छिड़के उसी प्रकार लगा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वो रात युग के समान बड़ी हो गई, बीती ही नहीं, राजा को अंधे तपस्वी की शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का आशा को धिक्कार है, मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्रिय राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हे पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय श्री राम। तो यहाँ पे जो सुनाए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कहानी सुनाए हैं, तो एक बार दशरथ महाराज जो है वो एक परीक्षा कर रहे थे एक अस्त्र का, जिसको बोलते हैं शब्द भेदी बाण। मतलब कहीं पे शब्द हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है तो वो शब्द को देख के मतलब सुन के क्या करना है, बाण मारते हैं, तीर चलाते हैं। तो एक बार उनको कुछ ऐसे शब्द हुआ तो उन्होंने क्या किया, तीर चला दिए। और जैसे ही तीर चला दिए तो क्या हुआ कि कोई विलाप करने लगा, कौन है वो निष्ठुर जिसने मुझे, मैं निरपराध हूँ और मुझे ऐसे तीर मारा है। तो दशरथ महाराज घबरा गए और वहाँ पे जाए जाके देखे तो वो कौन था, एक मुनि थे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए आया था, है ना, वो घड़ा लेकर आए थे ना, जब जैसे पानी भर रहे थे तो जो आवाज़ हुआ उस आवाज़ से दशरथ महाराज को लगा कि इसका शायद कोई जो है कोई हिरण जो है पानी पी रहा है और इसीलिए वो तुम्हें तीर मारा। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम ये जो पानी जो है आप मेरे माता पिता के पास पहुँचा दीजिए क्योंकि वो प्यासा है, और मेरे शरीर से जो है तीर निकाल दीजिए क्योंकि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और दशरथ महाराज जैसे ही उस तीर को निकाले तो वो शरीर छोड़ दिए वो मुनि। अब जो है क्या हुआ कि गए अपने माता पिता के पास, गए उनके माता पिता के पास, और माता पिता जो है वो अंधे थे, उनको लगा कि शायद हमारा पुत्र आए हैं, हमारे पास पुत्र आया है। बोले, पुत्र आपने बहुत देरी कर दिया। ये दशरथ महाराज कहे कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, मैं राजा दशरथ हूँ और मेरी गलती के कारण आपके पुत्र की जो है निधन हो चुका है। तो फिर वो लोग कहे कि ठीक है, तुम जो है इसका भी अंतिम संस्कार करो और साथ में हमारा भी अंतिम संस्कार कर दो क्योंकि हम इसके बिना नहीं जी सकते। और फिर उन्होंने कहा कि जैसे हम जो है पुत्र के वियोग में प्राण त्याग कर रहे हैं, ये फल तुम्हें भी मिलेगा। वही यहाँ पे कौशल्या को दशरथ महाराज सुना रहे हैं। तो जब ये है, अभी तो दशरथ महाराज चले गए, जीने और मरने का फल तो दशरथ जिन्हें ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया, जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह
को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। नंद बाबा जब भगवान जो है मथुरा में रह जाते हैं तो नंद बाबा ऐसे कहते हैं, मेरे संसार में हुआ एक पिता जो कि अपने पुत्र वियोग में मर गया, मतलब अपने आप को धिकारते हैं, लेकिन मैं देखो जो है कृष्ण के वियोग में मेरा प्राण नहीं जा रहा है ना। नंद बाबा ऐसे सोचते हैं, मतलब स्मरण करते हैं दशरथ महाराज जी। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है, वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती है। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं, कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का कर दिया, मतलब अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए, तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। तुम जो है कहाँ जाओ, भरत जी के पास जाओ, भरत के पास जाओ, और भरत को ये मत कहना कि राजा चले गए हैं, कैसे भी करके उनको बस बुला के ले आना है। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन अर्थात दूत दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। पता चल जाता है ना, जो निजी होते हैं उनको पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना। और भरत महाराज को ये पता चल रहा था, कुछ सपना भी आते थे, भयंकर सपना आते थे। तो वो क्या करते थे, महादेव जी का रुद्राभिषेक करते थे, प्रार्थना करते थे, सब ब्राह्मण को दान देते थे, है ना। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे और दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मना कर चल पड़े। इसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि कैसे जो है वो सपना देखते थे, उठ के बताते थे शत्रुघ्न को कि शत्रुघ्न देखो मैंने ऐसे सपना देखा हूँ, हैं जो है मेरे पिताजी को जो है किसी मतलब तेल में रखा गया है, है ना, और पिताजी जो है जोर जोर से हंस रहे हैं। तो इस प्रकार जो है ना कई प्रकार के मैं ऐसे सपना दिखाऊँ, ऐसे बोलते हैं जो शत्रुघ्न को। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हांकते हुए वे विकट नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था, मन में ऐसा सोचते उड़कर पहुंच जाऊं। लेकिन जैसे आप लोग आज सोच रहे थे कि कैसे उड़कर पहुंच जाए आश्रम में ताकि जल्दी जाके प्रसाद पाए, उसी प्रकार भरत जी सोच रहे थे। एक एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे।
कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं, गधे और शियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर घर के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब सुहाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है ना। और आज देखो मौसम भी बढ़िया कर दिया आप लोगों के राम कथा सुनने के लिए ना भाई अब तो अयोध्या चलिए, चित्रकूट में रहेगा, अयोध्या का स्मरण हो रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गौ से जोहार करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हुई है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हो गई। उनको खबर मिल गया कि पुत्र आ रहे हैं। वो आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैके ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। मतलब कोई कोई सुखी नहीं है, सिर्फ कौन सुखी है? कैकेयी हर्षित है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे कोई भिल्ली जो है जंगल में आग लगा के बढ़िया जल रहा है। पुत्र को सोचवश और मनमारे देखकर वो पूछने लगी, हमारे निहर में कुशल तो है ना? भरत जी सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने पूछा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहमा गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी नहीं पाया, आप मुझे श्री राम जी के सौंप भी नहीं गए। श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए, जैसे पिता होते हैं ना वो सौंप के जाते हैं कि बड़ा बेटा को कहते हैं कि छोटे बेटों का ध्यान रखना। भरत जी कह रहे हैं कि कम से कम मैं इतना तो करता कि मेरे पिताजी जो है मुझे राम जी को सौंप के जाते। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैके कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर, मतलब चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपने सब कर्मी शुरू से प्रसन्न मन से सुना दी, देखो मैंने ऐसे से किया है तुम्हारे लिए। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को
पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन रहकर स्तंभित रह गए। अब जब सुने कि राम जी वनवास चले गए हैं तो भूल गए, पिता की मृत्यु का जो दुख है उसका भी भूल गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो, हे तात, राजा सोच करने के योग्य नहीं है। भरत जी को कैकेयी कह रही है, अब राजा हो गया ना भरत, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। पिताजी जो है अच्छा भोग करके गए, चिंता मत कीजिए, आप उनके लिए चिंता मत कीजिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहमे गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसा ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जन्म ते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। भरत जी बोल तो रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं, मुझे सूर्य वंश, दशरथ जी, पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। कह रहे हैं विधाता भी ऐसा है, कैसा पिताजी मिले मुझे, कैसे भाई मिले मुझे, लेकिन माँ कैसे मिल गई मुझे। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ जल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी, स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वो संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत जीव जंतुओं में से ऐसा कौन है जिसे श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है? वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए? तू कौन है? मुझे सच सच कहा, तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर उठ कर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ, मतलब मेरे से दूर हो जाओ। मैं विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया, मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता।
उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। मंत्रा मंत्रा आ गए है ना। वैसे देखा जाए जो मंत्रा है ना, ये मंत्रा के बारे में भी कहा जाता है कि इसका कोई जन्म का कुछ पता ही नहीं था, मतलब कहाँ से आई थी क्या है उसको कोई जन्म का पता नहीं था। और वैसे देवता लोग इसको भेजे थे मंत्रा। मंत्रा जो है ना एक मतलब कोई देवता है, देवी है ना, उनको भेजे थे ये काम बिगाड़ने के लिए कि कैसे करके राम जी को जो है वनवास भेजना है। तो वो पहले थी वहाँ पे, कैकेयी की जब विवाह हुई ना तो कैकेयी के साथ आई थी, कैकेयी देश में थी वो, उसको कैकेयी लेकर आई थी। उसे देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग की घी को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। तो कुबड़ है ना उसमें क्या क्या धस मारे कंकाल। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी, उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। बोला, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा है जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लक्ष्मण जी के छोटे भाई। वैसे शत्रुघ्न जी को हमेशा भरत अनुज कहा जाता था क्योंकि भरत जी के साथ रहते थे। यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है लक्ष्मण जी का अनुज है कहा जा रहा है ना, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसे करने वाले थे है ना, उनका तो बस नहीं चला है ना। तो भरत जी ने रोक दिया, क्योंकि भरत जी वो काम करते हैं जो राम जी को प्रिय है ना। तो उनको लगा कि अगर भगवान राम को पता चलेगा तो क्या होगा। अभी अगर वो चाहे कैकेयी को भी ऐसे कर सकते थे है ना, जैसे इसने किया है उनके साथ जो है मंथरा के साथ किया, लेकिन है ना वो जानते हैं कि क्या है राम जी को पसंद नहीं है ना। इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, जो भगवान को पसंद है वही काम करना चाहिए है ना। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरा का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी देख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कैके जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई, जिसने कुल के कलंक अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई है। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। बहुत सुंदर भरत जी का जो चरित्र है ना वो हमारे लिए
एक आदर्श है, भक्तों के लिए एक आदर्श है ना। मतलब देखा जाए तो इस प्रकार की परिस्थिति में वो भी छोड़ के जा सकते थे, अरे क्या है तो ऐसे इसमें रहिए, है ना। मेरे मतलब उनके कोई दोष नहीं है, लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं, उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं, इसी का कोई चाल है ना, इसके लिए इसके माँ ने ऐसे किया है, लेकिन उसी प्रकार जब भगवान की सेवा करते हैं ना, उसी प्रकार कई प्रकार के ब्लेम आएंगे हमारे ऊपर, हमारी गलती नहीं होगी फिर भी हमारे अंदर हमारे में क्या आएगा, ऐसे ब्लेम आएगा। भरत महाराज देखो, भरत जी के ऊपर आ रहा है ना ब्लेम आ रहा है ना, लेकिन सेवा नहीं छोड़ना है, भरत जी नहीं छोड़े, सेवा नहीं छोड़े। तो ये हमारे लिए जो आदर्श है, भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी, उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़ी प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी के की माता को ऐसा स्वभाव क्यों नहीं हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर सुख त्याग कर दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानी मत मानो। ये बात किसी को दोष मत दो, ये देखो ये नारी है कौशल्या जी, अगर और कोई होता तो हजार गालियां दे, है कि नहीं, कई कई को, लेकिन वो क्या कह रही है, किसी को मत दोष मत दो, कई कई को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे ताप, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बल्कल वस्त्र पहन लिए, उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष, उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चल गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई, श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे इस तरह नह रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले, श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, फिर भी वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा, अपने स्नेह की और देखकर मुझे लाज भी नहीं आती, राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। हैं कौशल्या माता क्या कह रही है, वसंत महाराज ने सही किया है, प्राण त्याग दिए, है कि नहीं, लेकिन मैं प्राण नहीं त्याग कर पाई, इसका कारण क्या है, मेरा हृदय जो है वज्र के समान कठोर है ना। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा, राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे, तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, उनको अनेक प्रकार से भरत जी को समझाया
और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। अगर कौशल्या भी चाहती तो भरत जी को कुछ सुना सकती थी, कर देखो तेरी माँ ने ऐसे किया है कि नहीं, देखो जैसे जैसे हो गया, लेकिन वो बल्कि क्या कर रही है, उनको संभाल रही है ना, इसलिए तो भगवान की माँ है। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाली जितने पातक और उपपातक है, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता ये सब पाप मुझे लगे। भरत जी कह रहे हैं जितने भी पाप है अगर मेरा इसमें कोई भी हाथ हो तो सारा पाप क्या है मेरे ऊपर लग जाए। बोले जय श्री राम। जो लोग श्री हरि और शिव शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो लोग वेदों के को बेचते हैं, धर्म को दू लेते हैं, चुगलखोर है दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलहप्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्वभर के विरोधी है, जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन पराई स्त्री को स्त्री की ताक में रहते हैं, ये जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव के ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष चवे स्त्रवे ही मु आगे, होई बारी चर बारी विरागे। भय ज्ञान बरु मेटै ना मोहु, तुम राम ही प्रति कुल न हो। मत तुम्हार यहु जो जग कहाई, सो सपने हो सुख सुगति न लही।
जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी। तो कौशल्या माता कहती है भरत जी को, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण है और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। कोई अगर ऐसा कहेगा कि भरत जी का हाथ है इसमें, तो क्या कह रही है कुछ सुना होता, तो उनको सुख जो है कभी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया, उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों से जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। दोनों कौशल्या माता और भरत जी और शत्रुघ्न रात बिता दी ऐसे ही वार्तालाप करते करते। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो। आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के को चरण पकड़ कर रखा। वे रानियां भी दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार अपार कपूर गुगल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, मानो स्वर की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मन निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर सब दान दिए, गौवें तथा घोड़े हाथी तथा अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की हो लाखों मुखों भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन छोड़कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियां तथा सब महाजन को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। सब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति और धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर गया, वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने बिलख कर कहा, हे भरत सुनो, भाभी बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण
यश अपयश ये सब विधाताओं के हाथ में है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए, हे तात मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने से कुशल नहीं है। उस शूद्र को का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड करने वाला है। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। उस गृहस्थों का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वो तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्ति नहीं करता। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है, न सब न अब होने का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहाँ करते हैं। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम शत्रुघ्न सरी के पवित्र पुत्र हो। राजा सब प्रकार से बड़ भाग्य थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। जय श्री राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। रघुकुल सदा रीति चलियाई, प्राण जाए वचन जाए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। आजकल के समाज में क्या है, प्राण प्रिय है, वचन प्रिय नहीं है ना। कहते प्राण होगा तो कई वचन दे सकते है ना। इसलिए हे तात, पिता के वचनों को प्रमाण करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात की साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में
इंद्रपुरी में निवास करते हैं। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाओगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से हैं सुखी होंगे। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कर कीजिएगा। सुमंत्र विजय इसी प्रकार वशिष्ठ जी को जो है वो सपोर्ट किया। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, वहाँ पे कौशल्या भी माता भी थी, हे पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री सब माताओं के सबके एक तुम ही तो सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान थे। फिर उन्होंने शील स्नेह सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा से भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। वचनों को अमृत में डुबाकर ऐसे वचन बोलना चाहिए। मोहि उपदेश दिन गुरु प्रजा सचिव मातु उचित धरि आयसु दीना अवशिष धरि चाहौं दीना। गुरु पितु मातु स्वामी हितवाणी सुनि मन मुदित करियो भल जाने। उच
उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। सियावर रामचंद्र की। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना ही चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। उपदेश तो आपने दिया है कि नहीं, लेकिन क्या है, मुझे संतोष नहीं मिल रहा है, है ना। जिस प्रकार जो है ध्रुव महाराज जब जा रहे थे, है ना, जैसे क्या हुआ कि ध्रुव महाराज के पिताजी थे उत्तानपाद की कई पत्नियां थी, लेकिन ज़्यादा उनकी रुचि थे सुरुचि, और एक पत्नी और थी सुनीति। तो सुरुचि के जो पुत्र थे वो थे उत्तम, और सुनीति के जो पुत्र थे वो थे ध्रुव महाराज। तो एक बार जो है उत्तानपाद की गोदी में उत्तम बैठे हुए थे, तो ध्रुव महाराज भी चाहे कि मैं भी जो है बैठूं, जाए चढ़ने के लिए गोदी में बैठने के लिए। तो सुरुचि ने डांटा, क्योंकि सुरुचि जो है वो द्वेष करती थी सुनीति से। वह कहा नहीं, तुम नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि तुम जो है मेरे से जन्म नहीं हो। मतलब कहने का मतलब है अगर तुम्हें अपने पिता के गोद में बैठना है इसीलिए तुम जाओ तपस्या करो, उसके बाद जो है मेरे कोख में जन्म हो गए तब जाके जो है पिता के गोद में बैठोगे। ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं ना, हालांकि वो उम्र तो था 5 साल, वे क्षत्रिय थे, है ना। दौड़ दौड़ के जाते हैं माँ के पास, माँ को भी सब लोग बोल देते हैं कि ऐसा हुआ है। तो माँ कहती है कि देखो तुम्हें जो भी कुछ पाना है तो विष्णु ही दे सकते हैं। तो बोले विष्णु कहाँ है? बोले मैं सुनी हूँ कि विष्णु की तपस्या करने के लिए लोग जंगल जाते हैं, चल पड़े जंगल। 5 साल का उम्र था, पर माता भी छोड़ दी, सुनीति जो है अलाउ कर दी है, और गए। और जाते जाते उनकी इच्छा के कारण भगवान जो है नारद मुनि को भेज दिए, और नारद मुनि पहले परीक्षा करने लगे। बोले अरे मैं कह दूंगा ना, चलो मैं बिठा दूंगा तुम्हें, पिता के गोद में बैठना है ना, मैं बिठा दूंगा। बच्चे हो तुम, इतना क्रोध करना ठीक नहीं है, अब तो खेलने कूदने का समय है और तुम चले जंगल में विष्णु को ढूंढने के लिए, है ना। तो इस प्रकार नारद मुनि जो है क्या कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। तो नहीं, चलो चलो चलो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि वो तो आप अच्छा रहे हैं, है ना, लेकिन मेरे से पच नहीं रहा है, मेरे से नहीं पच रहा है।
क्योंकि मेरा स्वभाव जो क्षत्रिय का स्वभाव है। आपको अगर सहायता करना है करिए, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। फिर नारद मुनि कहते हैं फिर नारद मुनि जो है विधि बताते हैं कैसे भगवान जी का विग्रह बनाना चाहिए और कैसे धीरे 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 तपस्या करना चाहिए, तपस्या का भाव को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो ध्रुव महाराज जो है पहले तीन दिन में बेल या कैथा खाते थे। कैथा आप लोग जानते हैं? नहीं, इसको एलिफेंट एप्पल बोलते हैं, खट्टा खट्टा लगता है। एलिफेंट एप्पल इसलिए बोलते हैं कि एलिफेंट जो है उसको एज इट इज खा जाता है और एज इट इज निकाल देता है। कैथा बेल जैसा होता है, छोटा छोटा गोल गोल, और उसके बाद फिर जो है दूसरे महीने में फिर खाना भी छोड़ देते हैं, पानी पीते हैं, सूखा पत्ता खाते हैं दूसरे महीने में, तीसरे महीने में पानी पीते हैं, है ना। फिर चौथे महीने में पानी भी छोड़ देते हैं, पांचवें महीने में से सांस लेते हैं, छठे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेते थे, है ना। तो इसी प्रकार तपस्या का भाव हमें बढ़ाना चाहिए, है ना। ये नहीं कि भोग विलास बढ़ा रहे हैं क्या। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि भरत महाराज जो है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे संतुष्ट नहीं हो रहा है आप लोगों के उपदेश। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरा योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कर दीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो अपराध मत लीजिए, हो सकता है मेरे अंदर दोष होगा लेकिन उसको आप, है ना, जो है क्षमा कर दीजिए। पिताजी स्वर्ग में है, सीताराम जी वन में है और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं, इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने का आशा रखते हैं? आप सोच रहे हैं कि इसमें मेरा कल्याण होगा या कुछ ऐसे कर्तव्य है करना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी के चाकरी में है, देखने सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि के भक्ति के बिना जप योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता के बस में होकर ही कर रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे त्यो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ है? राजा ने श्री राम जी को वन दे दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया।
आमार जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य रेसा आमार जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य रेसा। भक्त जो है इसी प्रकार सोचता है, मेरा जीवन जो है हमेशा पाप में रत है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, नहीं। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थ का कारण हूं, होश हवास में बैठा और सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। ये कारण है कि ये प्राण जो है श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। राम पुनीत विषय रस रूपे ललुप भूमि भोग भोग के भूमि कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई निदरी कोले सुजे लही बड़ाई और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा और सब बातें सुन रहा हूँ। लालची भूमि और भोगों की ही भूखे हैं, मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ। जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है, कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई कई भव तनु अनुरागे पावर प्राण भाई अभागे जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे देखब सुनब बहुत अब आए कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भर पेट अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहा है, तब अभी आगे आगे में और भी बहुत कुछ देखूंगा और सुनूंगा। लक्ष्मण श्री राम जी सीता जी को तो वन दे दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दे दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राजतिलक देने को कहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, उसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हो
फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसी को उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है। कई कई सुवन जब जग जोई दशरथ कनय राम लघु भाई मोही विधि बाधी कैकेयी के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने मुझे वही दिया है, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दे दी। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं, राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहे। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया है? जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो? जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है कि किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस है। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही है। गुरुजी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साथ सोच रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ होता ही है। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख, एक ही दूसरा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण से श्री सीताराम जी दुखी हुए। मतलब उनको कोई परवाह नहीं कि कोई कुछ कहेगा, लेकिन उनको यही दुख हो रहा है कि जो है सीताराम जी जो है दुखी हुए मेरे कारण। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। सबको सिर झुकाकर मैं अपने दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है? मन में एक ही आंक यही है कि प्रातकाल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भय मोहि कारण सकल उपाधि
सती शरण सन्मुख मोहि देखी छवि सब कर कृपा विशेषी शील सकुच सुखी सरल सुभाऊ कृपा सनिध सदन रघुराऊ हरिहुक अन भल किन्हिना रामा मैं शिशु सेवक यद्यपि मामा यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के धर है, स्नेह के घर है। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम है। ठीक है, विभीषण जब आते हैं ना, विभीषण जब लंका छोड़ के आते हैं और लंका छोड़ के आते हैं तो जब आते हैं आकाश मार्ग में है, क्योंकि उनको तो वो विद्या पता था ना, असुरों को ये विद्या है कि आकाश मार्ग में रह सकते हैं, और वो कहते हैं कि मैं शरणागत हूँ, हे राम मैं आपका शरणागत हूँ और मुझे शरण दीजिए। तो भगवान राम जो है पहले सबका लेते हैं, है ना, सबका ओपिनियन लेते हैं, सभी मना करते हैं, सुखे नहीं नहीं ये तो शत्रु पक्ष का है, शत्रु का भाई है ना, सारा कुछ जो है हमारा, जो क्या बोलते हैं, जो भी हम टेक्निक करेंगे या जो भी हमारा जो प्लान है वो सब प्लान बता देगा। और लक्ष्मण जी भी ऐसे ही कहते हैं, हनुमान जी हाँ ना ऐसे करते हैं। तो सबका जैसे ओपिनियन ले रहे हैं भगवान, है ना। इसको एक अभी ना, अभी मैनेजमेंट में इसको बोलते हैं कंसल्टिव लीडरशिप। लीडर जो है क्या करता है, सबका कंसल्टेशन लेता है ना, सबका कंसल्टेशन लेके विचार करता है। तो फिर सब लोगों ने कहे कि भगवान आप जो है हमें तो पूछ रहे हैं, आप अपना मत तो दीजिए, अभी तक तो आप अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। फिर भगवान कहते हैं कि आप लोगों ने सब कहा तो ठीक कहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने एक व्रत लिया हूँ। कोई भी कितना भी हो वो अगर बस इतना कह देता है, हे राम मैं आपका हूँ, बोले हे राम मैं आपका हूँ, बस इतना अगर कोई कह दे तो मैं उसको शरण दे देता हूँ, मैं उसको त्याग नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई जब व्रत ले लिए हैं तो शरण ले ही लीजिए। तो विभीषण को जो है शरण दिया जाता है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि हालांकि जो है मैं टेढ़ा हूँ, है ना, और उनका बच्चा और गुलामी ही तो हूँ, है गुलाम ही हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम। अब पंच लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से
सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटा दें। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री रामचंद्र जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे ही नहीं। भरत जी के वचन को सुनकर वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम योग रूपी भीषण बीज से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। ये राम भगवान के प्रति जब इतना प्रेम होता है ना, तो वो प्रेम के कारण जो है सब लोग जो है क्या होते हैं, वो प्रेम जो है क्या होता है, सबको वितरित होता है ना, है कि नहीं। जैसे ग्लास में आप पानी डालेंगे, तो पानी डालेंगे जब ग्लास भर जाएगा तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार के भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके हृदय में जब प्रेम भर जाता है तो फिर वो प्रेम को क्या करते हैं, वो दूसरों को बांटते हैं, है ना। तो इसी प्रकार भरत जी के हृदय में जो राम जी के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण हालांकि सब जल रहे थे विरह के अग्नि में, तो उनको क्या मिला, पूरा शीतलता मिला, है ही नहीं। जैसे कहते हैं जो प्रचार करना जो है वो पता क्या है, वो हिचकी है, ओवर थ्रो है। जब ज्यादा खा लेते हैं ना क्या होता है ना, तो उसी प्रकार जब भगवान के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति आपके अंदर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, फिर आप भी जो है प्रचार करने लगेंगे। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी की को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम के साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहे, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वो दुष्ट करोड़ों पुरुखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वो विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम जी है। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सराह दे दिया है। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। प्रातकाल चलने का सुंदर निर्णय देकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ है। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। मतलब घर में किसी को बोलेंगे ना कि भाई सब लोग तो नहीं जा सकते, जैसे घर में किसी को बोला गया कि आप घर संभालना, तो वो क्या सोच रहा है, ऐसे जैसे लग रहा कि मेरी गर्दन मारी गई। Why me? कोई कोई कहते हैं, रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। वो संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई
जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता ना करे। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में हर्ष है कि सवेरे चलना है। कहाँ चलना है? चित्रकूट। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी का है। यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे, है ना। कोई कुछ विश्वासी लोगों को बुला के, है ना, उनको रख के जाएंगे, है ना, पूरा राज्य छोड़ के जा रहे हैं ना। हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या के पास गए। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को आर्त जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने और तथा सुखासन यान सजाने के लिए कहा। माताएं सोच रही थी कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बड़े दुखी थे। भरत जी ने नहीं, आप भी चले गए, उनके लिए भी पालकियां तैयार कर दी। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रात काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, रात रात भर भी जो है जागरण कर लिए, सोए नहीं है। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वहीं पे तिलक करके आएंगे, है ना। राज तिलक की करो तैयारी। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी ने अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दर्श बस सब नर नारी, जनो कभी करे चले कभी बारी। देखी सने हो लोग अनुरागे, उतरी चले है गया रथ जागे।
जाइ समीप राखी निज डोली राम मात मृदु बानी बोली कुछ हो ना हो राम जी का नाम चल जाए है कि नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक कथाकार जो है कि मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो वैकुंठ में गए और दरवाजे पर उसको रोक दिए, फिर अभी वेट करो, वेटिंग लिस्ट है तुम्हारा। और कुछ देर के बाद एक लफंगा आया और उस लफंगा को तुरंत एंट्री मिल गया। तो वो कथाकार ने पूछा, अरे ये लफंगा है, उस लफंगा को जो है वैकुंठ में एंट्री दे दिया और मुझे वेटिंग लिस्ट में डाले। बोले आपके कथा में सब सोते थे, आपकी कथा में सब सोते थे, लेकिन ये जो लफंगा है ना, ये इतना खतरनाक ड्राइवर था, जब ये गाड़ी चलाता था सब सवारी राम राम करते थे, राम 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 राम। इसी कारण क्या है कि उसको जो है वैकुंठ में तुरंत एंट्री मिल गया। जय श्री राम। इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं कि कथा में राम का नाम हो, नहीं तो फिर वेटिंग लिस्ट में डर जाएंगे। लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथिनी जल को तक कर जा रहे हो। श्री सीताराम जी वन में है, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। सब लोग जो है मतलब बाकी तो पालकियां में जा रहे हैं, कुछ रथ में जा रहे हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न कैसे जा रहे हैं, पैदल। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तौर पर किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवैरपुर समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। निषाद राज जब देखा कि सब एकदम अयोध्यावासी आए हुए हैं, रथ में चलकर आ रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसे भय होने लगा। क्या कारण है जब भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है, यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया।
तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। हैं क्या सोच रहे? निषादरा सोच रहे हैं, अच्छा पहले तो कलंक लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुड़ जाए तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। कई कई का बेटा है ना, ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को रोक दो। नदी तो क्रॉस करेंगे ना, कैसे करेंगे? सब नाव को डुबा दो, है कि नहीं? कैसे देखते हैं क्रॉस करेंगे? सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साथ सजा लो। मैं भरत से सामने लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। युद्ध में मरण फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर। भरत श्री राम जी के भाई और राजा और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलेगी। है कि नहीं? राम जी के लिए मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवा का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी के नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। बोले जय श्री राम। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मऊ जा रेखा। जाय जियत जग सो मही हारू, जननी जौवन पीतर बुनारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। इसी प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषादराज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। निषाद राज को जुहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर है और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी के चरण कमलों की जुटियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियाँ बांधकर धनुइयों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। रेडी हो गए हैं भरत जी को मारने के लिए। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपी रखते हैं और फर से भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के बार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे
उमंग में भरे हैं, मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गूह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लेना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर, अधीर मत हो। है ना, ऐसे लीडर होना चाहिए। लीडर कहे तो एकदम यस वी आर रेडी। हे नाथ, श्री राम जी के चंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के कर देंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाओ ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। किसने छींक दिया, है ना? शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से एक बार मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं, शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। मतलब कुछ ऐसा काम में अगर कोई छींक हो जाता है तो छींक से क्या होता है, पता चलता है कि कुछ मतलब काम जो है कुछ अलग होने वाला है ना, ये काम सही काम नहीं है। समझ, तो वो बुजुर्ग थे तो बुजुर्ग करके आप जाके भूल लो। ये सुनकर निषाद राज गुहा ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। बूढ़ा ठीक कह रहा है, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। अतः हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर भरत से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, उदासीनता का या उदासीन का, यह जानकर सब आकर वैसा ही प्रबंध करूँगा। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल और पक्षी और हिरण मंगवाए, भेंट करना है। कहर लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भार भरकर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बदलाकर दूरी से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि ये जो है श्री रामचंद्र जी का मित्र है। यह श्री राम का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं। मंगल के मूल धन धन की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। वे कहते हैं, जो लोग और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकबार भरकर हृदय में चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलका बलि से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो निषाद है
वो क्या था, छोटी जाति का, छोटी जाति मतलब उनको इवन चार वर्ण में भी नहीं कहा जा सकता है ना, ब्राह्मण वैश्य अक्षर क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी नहीं कहा जाता, लेकिन उनको भरत जी जो है कैसे मिल रहे हैं ना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह उनके सामने नहीं आते हैं। राम राम कही जे जमुहाई नहीं न पाप यह तो राम लाई उरलेना कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कर कर जमाई लेते हैं, राम है कैसे मतलब कितना है ना, ऐसे कॉन्शियसनेस है, किस किस के बारे में कैसे कैसे सोच रहे हैं। पापों के समूह उनके सामने नहीं आते, फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। कह रहे कि कोई राम का नाम ना भी ले, सिर्फ अगर जमाई लेते लेते अगर राम का नाम ले लेता है तो उसके सामने तो पाप नहीं आता है। और इसके बारे में क्या कहना, निषाद के बारे में क्या कहना, जिसको जो है भगवान राम ने अपने गले लगा रखे। बोलो जय श्री राम। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। मूर्ख और पामर, चांडाल, शवर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। बोले जय श्री राम। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसी को बड़ाई नहीं दी, इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। विदेह हो गया मतलब प्रेम मुग्ध होकर देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया है ना, विदेह का मतलब यह है ना। उसके मन में संकोच प्रेम आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज भरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों फूलों सहित मेरा मंगल हो गया। मेरी करतुत और फूल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमाओं को मन में देखकर मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया, यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। बोले जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ,
और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार किया, जोहार प्रणाम। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है और तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिया ले चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारों से कह दिया, अरे भैया ये मारने पीटने वाले है नहीं। वे स्वामी का रूप पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर और बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी ने जब श्रृंगवरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए गए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए, श्री राम घाट को प्रणाम किया। श्री राम घाट की जय, गंगा जी की जय। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हैं। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सभी वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम ना हो। गंगा जी को भी प्रार्थना करते हैं। भरत कहे सुर सहित रे सकल सुख से सुर जोरी पानी पर मांगे सिया राम पद सहज सने हो जी। गंगा जी कह रहे हैं, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम है। जय श्री राम। गंगा जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं भरत जी। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं के सेवा सौंप कर अपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है।
जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा हो। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ, वो तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह की रज आंखों में लगाई, प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर छीत पर रख दिया। उनके नेत्र जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनके मुट्ठी में है, उन जानकी जी को मैं किसकी उपमा दूं। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं जो कि कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी खुश सैया देखकर मेरा हृदय हहरा कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। भरत जी कह रहे हैं, अरे इसी सैया में सोए थे सीता जी, जनक नंदिनी, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे, प्यार करने के योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न है, न होने की है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों के प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी, कुटुंब, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। हे सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है। वे पृथ्वी पर भूषा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी साथ संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साथ संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल के मूल कैकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ
विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं, पर आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता की है, प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है, श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। बोले जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धार कर श्री रामचंद्र का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह को की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। हैं गंगा जी, गंगा जी को प्रार्थना कर रहे थे ना, यहाँ तो अभी पहुंचे नहीं है, हम तो अयोध्या से आ रहे हैं ना। चार घड़ी में सब गंगा जी को पार उतर गए सब। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माताओं के चरण को वंदना करके गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदनंतर भरत जी ने गुरु जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। बोले जय श्री राम। कितना टाइम हो गया? अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, है कि नहीं? अभी करेंगे भी क्या करेंगे, कहीं तो जा ही नहीं सकते, भगवान की इच्छा है। हाँ, देखिए थोड़ा कीर्तन करेंगे, इसके बाद वो करेंगे फीडबैक रिलेशन सेशन करेंगे, है ना। और कुछ भक्त जो रथ यात्रा में सेवा किए थे उनको भी कुछ गिफ्ट देंगे। हरि बोल। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदनंतर भरत ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री राम से सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ
कोतल घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी के दिशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण क्लानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। बोले प्रयागराज की सीताराम 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 सीताराम। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदे चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मण को सम्मान किया। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाली वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही जान चाहता हूँ। जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। बोले जय श्री राम। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहउ साहिब द्रोहि। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता है। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं ना, यही मात्र आशा मम तुम्हारो चरणे, अहे तुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। यही मात्र आशा मम तुम्हारे चरण, आपके चरण में मेरा यही मात्र आशा हो कि आपके जो चरणों में अहित की भक्ति मेरा मेरे हृदय में जागे। और फिर कह रहे हैं कि नाम के प्रभाव से वो जो प्रेम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। दिने दिने वृद्धि हो नामेर प्रभावी, वही मांग रहे हैं यहाँ पे भरत महाराज जी। किनको मांग रहे हैं? प्रयाग जी को मांग रहे हैं।
मतलब एक भक्त जो है वो कैसे सबके ऊपर डिपेंडेंट होता है ना, सबसे प्रार्थना करता रहता है, सबसे दुआ मांगता रहता है, सबसे आशीर्वाद मांगता है, इसलिए भगवान को प्राप्त करना होती है ना? ये दिस इज द मूड अभी डिवोटी है ना। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। चातक जो है जानते ना, चातक एक पक्षी है जो कि सिर्फ बारिश का पानी पीता है और कोई पानी नहीं पिएगी, है ना। तो कई बार जो है जब बादल आता है तो जो है वो आतुर रहती है कि पानी पीने के लिए, बारिश होगी पानी पिएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, वज्र वज्र आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बिजली से जो है ना, तो वज्र और कई बार ओले गिरते हैं, बारिश नहीं गई ओले गिर रहा है, तो फिर भी जो है वो नहीं छोड़ता है ना, वो प्रेम ही करता है। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निवाहन से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। प्रयागराज भी जो है वो क्या कि रेसिप्रोकेट किए, क्या बोले, तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनु राग अगाधु। बाधि गलानि करहु मन माही, तुम सब रामहि को प्रिय नाहि। बोले हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। कौन कह रहे, प्रयागराज कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, उदासीन सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाज के पास गए आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राम। तो फाइनली यहीं पे हम विराम लेते हैं। दिस इज माय